सभी को सादर नमस्ते। मैं रोहिताश कुमार, प्रधानाचार्य रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज गंगो। जैसा आप सबको विदित है कि कोविड-19 महामारी के बाद उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता का विषय रहा है कि इस महामारी के समय में भी विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से जारी रहे। वो कैसे? ऑनलाइन माध्यम से, देह से दूरी रखते हुए, दूर रहते हुए, पहले 2-3 महीने घर पर रहते हुए, और आजकल सभी शिक्षक विद्यालयों में पहुंच रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और सेक्शन अपना जो सेशन है उसको कंटिन्यू किए गए हैं। उसी संदर्भ में श्रीमान आरपी शर्मा जी, जो हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल सहारनपुर हैं, और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, आप दोनों ने समस्त विद्यालयों से वार्ता कर एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के संदर्भ में मेरे विद्यालय को चुना है और आपने हमारे कॉलेज के मॉडल को प्रदेश स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए हमको निर्देशित किया है। मैं अपने दोनों अधिकारियों का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और प्रयास करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कि किस प्रकार से ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम काम करता है। आइए सीखें। सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। हर मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होता है उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो आपकी विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन मदद करते हैं। चलिए प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए फॉर्म्स ऐप। ये सबसे ऊपर आपको मिल गया लिखा हुआ फॉर्म्स ऐप, ये लिखना है और इसको आप सर्च करिए। यहाँ जैसे सर्च करेंगे, चूँकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो आपका भी जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से आएगा। आप उसको ओपन करिए। आपने ओपन किया, ये इंटरफेस आपको मिला है। दो डायलॉग बॉक्स मिले हैं, एक मिला है आपको गूगल फॉर्म्स, दूसरा मिला है आपको सर्वे हर्ट। दोनों ही एप्लीकेशंस के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन क्लासेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक अटेंडेंस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। चूँकि गूगल ज़्यादा पॉपुलर है तो हम भी गूगल की मदद से ही इस एप्लीकेशन के मदद से ही एक लिंक डेवलप करेंगे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज में विद्यार्थियों की उपस्थिति को एक डेटा के रूप में, एक एक्सेल शीट के रूप में हमको देने में हमारी मदद करेंगे। चलिए करते हैं गूगल फॉर्म्स पर चलें। गूगल फॉर्म्स पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे एक इस प्रकार का इंटरफेस। यहाँ साइड में एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, ऐड बटन इसको बोलेंगे आप, ये यहाँ पर। तो इस ऐड बटन पर प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है। ऐसे जैसे क्लिक किया आपको टेम्पलेट मिलेंगे। आप टेम्पलेट पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, नीचे सीधे जाइए, यहाँ क्रिएट, इस पर क्रिएट ब्लैंक फॉर्म्स पर, इस एरिया में आपको आना है। आप इस पर क्लिक करिए, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। अब आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ इस कॉर्नर में अनटाइटल्ड फॉर्म है और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप इस अनटाइटल्ड फॉर्म को टाइटल्ड कर दीजिए, अनटाइटल्ड को टाइटल कर दीजिए। टाइटल में आप दीजिए अपने कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज आपका है। जैसे मेरा रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज है, मान लीजिए हम किसी और कॉलेज के लिए बनाना चाहेंगे इसको, हम बनाते हैं KLJM इंटर कॉलेज नकुड़ के लिए। चूँकि ये मेरे होम टाउन का कॉलेज है और मेरे लिए बड़ा महत्व का है, तो मैं चाहूँगा कि KLJM इंटर कॉलेज के लिए मैं एक अटेंडेंस लिंक डेवलप करूँ। KLJM, हम यहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे सिंपली, इंटर कॉलेज। एड्रेस भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, एक कॉमा लगाएं और आप इसका एड्रेस लिख दें नकुड़। आगे आप डिटेल भी दे सकते हैं, सहारनपुर। ये आपका सहारनपुर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें सिंपली कि ये हम एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं। अब ये जानकारी हमारा हेडिंग बन गया एक तरह से ये। अब आप देखेंगे इस प्लस के निशान पर दोबारा जाएंगे, ऐड बटन इसको बोलते हैं, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, बहुत सारे विकल्प आएंगे। पहला विकल्प है शॉर्ट आंसर, दूसरा है लॉन्ग आंसर, तीसरा है मल्टीपल चॉइस, चौथा है
चेक बॉक्सेस और नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। इन्हें में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। किसी का मतलब आप सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स को आप करिए, आप चाहें तो ड्रॉप डाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें से आपको एक चुनना होता है, ड्रॉप डाउन में से एक चुनना होता है। चलो ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। ड्रॉप डाउन में कैसे है, मान लीजिए आपने क्लास पूछा बच्चे से कि वो किस क्लास में पढ़ता है, किस क्लास के लिए वो अटेंडेंस दे रहा है। चूंकि हम कॉलेज के लेवल पर बना रहे हैं तो उसको कॉलेज की एक घोषणा करनी पड़ेगी, उसे हमने पूछा कि वो किस क्लास में पढ़ता है। अब यहाँ ऐड ऑप्शंस है, जितने भी क्लासेज आपके यहाँ हैं, मान लीजिए सिक्स्थ है तो आप ऐड करिए, सेवन्थ है ऐड करिए, एट है ऐड करिए। तो आप इसमें अपने ऑप्शंस, अगर मान लीजिए किसी के यहाँ नाइन्थ B1 है तो B1 ऐड करेगा, हो सकता है नाइन्थ के दो सेक्शन हो, तीन सेक्शन हो, तो उसको फिर उतने ही सेक्शन यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो जितने भी वो चाहेगा ऐड कर लेगा। मैं अभी बस टेंथ B1 और B2 तक कर देता हूँ। मान लीजिए किसी के यहाँ टेंथ के भी दो सेक्शन हैं तो वो टेंथ के भी दो सेक्शन यहाँ ऐड कर लेगा। मान लीजिए इतनी क्लासेज हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा ऐड करता जाए और बढ़े, और रिक्वायर्ड कर दें इसे कि उसे कोई एक क्लास तो चुननी पड़ेगी, वो किसी क्लास में है, जिस तरह से आप इसको यहाँ डालेंगे उसी तरह से आपको शो करेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब हमें नेक्स्ट ऐड करना है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें स्टूडेंट से उसका नाम लेना होता है अटेंडेंस के लिए, तो हम शॉर्ट यहाँ शॉर्ट आंसर ले लेंगे। उसमें हमने लिया ड्रॉप डाउन ताकि बच्चा बहुत सारी क्लासेज में से क्लास चुन ले, और यहाँ हम लेते हैं शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर में क्या है, हम बच्चे से उसका नाम पूछेंगे, स्टूडेंट्स नेम, सिंपल बच्चा अपना नाम बता देगा, नीचे आंसर उसे इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, इनके जरूरी है बच्चे के लिए बताना है। फिर नेक्स्ट लेंगे हम, अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें बच्चे से उसके फादर का नाम, क्योंकि आपको पता ही है एक क्लास में एक नाम के एक से अधिक बच्चे भी हो जाते हैं, फादर्स नेम। अब तीसरा जो फील्ड है, बच्चे से तो हमें केवल उसका नाम और पिता का नाम और क्लास जाननी होती है, तीसरा एक क्वेश्चन लेंगे हम, वो लेंगे हम मल्टीपल चॉइस का, ये लेंगे अटेंडेंस से रिलेटेड, यहाँ अटेंडेंस लिख देंगे अटेंडेंस। अब अटेंडेंस में आप देखेंगे कि जो चॉइस दोगे उसे ऐड ऑप्शन के रूप में, उसमें पहला ऑप्शन दीजिए उसको प्रेजेंट का, प्रेजेंट। दूसरा एक और ऐड ऑप्शन कर देंगे, दूसरा ऑप्शन दीजिए उसको लीव का, यानी को छुट्टी चाहता है। दो ही ऑप्शन पर्याप्त हैं, तीसरे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए, यानी कि जरूरी है बच्चे को बताना कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जिसको रिक्वायर्ड कर देंगे उस बच्चे को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। अब एक अटेंडेंस लिंक लगभग तैयार हो चुका है, हमें इतनी ही जानकारी बच्चे से चाहिए, और हमने ये जानकारी यहाँ पर फीड कर दी और बच्चा इसमें अपनी जानकारी भरेगा। अब चूंकि तैयार हो चुका है, आगे कोई सवाल इसमें नहीं ऐड करना है, तो अब हम सबमिट करते हैं। ये यहाँ सबमिट बटन है, आप देखेंगे यहाँ सबमिट है, ये सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो आपसे सेटिंग्स पूछेगा कि भाई क्या सेटिंग्स को कोई एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है। सेटिंग्स में क्या है, मान लीजिए एक बच्चा एक ही अटेंडेंस दे सकता है या ज़्यादा अटेंडेंस दे सकता है। मान लीजिए एक परिवार में दो तीन बच्चे हैं, वो एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उन्हें अपनी अटेंडेंस अलग अलग भरनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, अगर एक चाहते हैं तो यहाँ चेक इन कर दीजिए, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। बच्चा अगर एक से ज़्यादा अटेंडेंस करना चाहता है वो फ़ोन से रहेगा। फिर अलाउ करें कि क्या वो अपना एडिट कर सकता है, तो आप एडिट पर क्लिक कर दें, नहीं तो आप ना करें। तो ये सिंपल से यहाँ एक सेटिंग ये है, एक सेटिंग ये है जो ज़रूरी है, और एक सेटिंग ये है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अभी केवल एक सेटिंग कर देता हूँ कि बच्चे को अपनी समरी ज़रूर दिखाई दे, और मैं एडिट भी चाहता हूँ कि बच्चा एडिट भी कर सके। क्वेश्चन मान लीजिए लीव गलती से चेक इन हो गई है, सबमिट हो गया, तो वो आप एडिट कर सकता है। रेस्पॉन्स मैं अभी फेवर में नहीं हूँ, बच्चा एक से ज़्यादा भी अटेंडेंस कर सकता है। अब इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ देखिए क्रिएटिंग फॉर्म, फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ये बीच में ऐड आ जाते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। कॉपी लिंक यहाँ आप देखेंगे, ये दो ऑप्शन है, एक कॉपी लिंक का है, एक व्यू फॉर्म का है। जो फॉर्म आपने बनाया है उसको आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉपी लिंक कर लेते हैं। और कॉपी लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे
और अब इसको व्हाट्सएप पर किसी से भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ किसी भी क्लास में जाएंगे, जिस क्लास में भी आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए ये मेरे स्टूडेंट्स की क्लास है 9th B1, तो मैं यहाँ शेयर कर सकता हूँ इस ग्रुप में, और आप देखेंगे कि ये यहाँ एक लिंक चला गया है। अब मान लीजिए KLG मेंटर कॉलेज के नाम से बना है, तो शीर्षक ऊपर आ गया, ये नीचे लिंक आ गया। अब इस लिंक पर यहाँ बच्चा जैसे ही क्लिक करेगा कहाँ पहुँचेगा देख लीजिए आप। इस पर क्लिक किया, देखो इस तरह से खुल जाएगा। अब वो जो ड्रॉप डाउन था क्लास, उसको यहाँ से चेक इन करनी पड़ेगी, वो किस क्लास का बच्चा है। मान लीजिए वो 9th B1 का है, तो चुन लेगा 9th B1 स्टूडेंट का नाम, वो अपना नाम भरेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, स्टूडेंट का नाम है राजू, उसके पिताजी का नाम है, कोई भी पिताजी का नाम डाल दीजिए, राजवीर। प्रेजेंट उसने भरा, चेक इन और सबमिट कर दिया, लो हो गए हाजिरी। 3 सेकंड में बच्चा अपनी हाजिरी कर देगा, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और आपके पास ये रिकॉर्ड के रूप में पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? अभी ये तो व्हाट्सएप पर आपने शेयर किया था, वहाँ आपने सब सबमिट कर दिया है, लिंक शेयर हो गया है। इसको आप कैसे देखेंगे? आप अपने जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है गूगल फॉर्म्स, उसके अंदर जाइए, यहीं पर उसको ओपन करिए, गूगल फॉर्म्स में जाइए, और ये आपका अटेंडेंस लिंक है KLG मेंटर कॉलेज पहले वाला। इसमें 0 रिस्पॉन्स है, ये 1 रिस्पॉन्स है, ये यहाँ आप देखेंगे कि ये 1 रिस्पॉन्स जिस नाम से भी आपने बच्चे की अटेंडेंस भरी है उसमें आपको दिखाई देगा। ये यहाँ एक्सपोर्ट है, आप देखेंगे ये यहाँ कॉलम पर, ये लास्ट में आप देखेंगे ये इस एरिया में एक एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? ये यहाँ 4 विकल्प हैं, किसी एक पर एक्सपोर्ट करेंगे। गूगल शीट्स पर आप इसको एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि ये फ्री होता है। देखिए एक्सपोर्ट करेंगे गूगल शीट में, अब ये शीट आपकी बन गई है। यहाँ बच्चे का पूरी जानकारी आपको एक शीट के माध्यम से मिलेगी। आप चाहेंगे इस शीट का फिर आप एक वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं किसी भी जगह। इस तरह से आप उस बच्चे का एक्सपोर्ट आप कर सकेंगे फाइल को। बस आज के इस लिंक के माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जानकारी मिल चुकी होगी आपको, और आप सभी अपने कॉलेज में अपने क्लास के लेवल पर यहाँ ही एक्टिव है, और आप चाहेंगे ये जो हमारा एरिया है इस लिंक को जितने समय आप एक्टिव रखेंगे उतने समय एक्टिव रहेगा। जब आप इसको इनएक्टिव कर देंगे इनएक्टिव हो जाएगा। आप समय भरना चाहेंगे इसमें समय भी भर सकते हैं, कितने समय तक आपको उसको रखना है ये सब आप पर निर्भर करता है। आप एक बार बना करके देखें, फिर धीरे धीरे आप इसकी और तह तक पहुंच पाएंगे और चीज़ें समझ पाएंगे। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं, और मैं स्पेशली JD साहब का और DS साहब का आभार ज्ञापित पुनः करता हूं। थैंक यू वेरी मच।